अपना जी। रात में आपने मुझे जब रिकॉर्डेड ऑडियोज भेजे थे और जिस तरह की नेगेटिविटी उसमें से मुझे फील हो रही थी, मेरे को बिल्कुल रेजोनेट नहीं किया वो चीज़। क्योंकि टैरो रीडिंग जब अपने कोई करता है ना, तो अपने को रेजोनेंस फील होना चाहिए उससे। ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, ये बात सच है। ऐसा रेजोनेंस फील होना चाहिए। ऐसी रेजोनेंस ना मुझे आपके साथ फील नहीं हुई बिल्कुल। उसके बाद में आपने बोला कि आप साईं बाबा के मैसेजेस दे रही हो, और थोड़ी देर बाद मुझे बाबा की प्रेजेंस अपने पास फील हुई। मुझे ऐसा लगा साईं बाबा मेरे पास खड़े हैं, ये रहे। और मुझे बाबा ने ये बोला कि डोंट ट्रस्ट, लगातार वो मुझे बोल रहे थे डोंट ट्रस्ट। उसके बाद में मैं मुझे लगातार रात भर बाबा की प्रेजेंस फील होती रही होती रही होती रही। फिर सुबह मैं उठी, मैं किचन में काम करने गई, वहां भी मुझे लगा कि मेरे पास साईं बाबा खड़े हैं ऐसा। और वो लगातार ये कह रहे थे कि अपने माइंड को कंफ्यूज मत करो, तुम्हारी इंट्यूशन जो कह रही हुई वही बात पर भरोसा करो। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी डिवाइन फैमिली है, अवेकन डिवाइन फैमिली है वो, उनको उनको माता जी का इष्ट है। मैंने उनको बोला, मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे एक टेरो रीडर थी और उसने इतनी सारी मेरे को नेगेटिव बातें बोली, जबकि मेरे को बिल्कुल रेजोनेट नहीं हुई उनकी कोई भी बात। तो उन्होंने भी, उनके गाइड्स हैं, उनके भी तो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, उन्होंने बोला कि उनके स्पिरिचुअल गाइड्स ने बोला कि ब्लॉक दिस लेडी, इस लेडी को ब्लॉक कर दो, शी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हर नेगेटिव एनर्जीज ऑन यू। और फिर मैंने उनको बोला कि मुझे साईं बाबा की प्रेजेंस अपने साथ में फील हो रही है। जब हम साईं बाबा की बात कर रहे थे, और मैंने उनको ये बोला कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साईं बाबा ना मेरे गाइड्स, मैं अब उनकी इच्छा है कि वो मुझे भी गाइड करें, ऐसी उनकी इच्छा हो रही है। जब हम ये बात कर रहे थे ना, उसी वक्त मेरे घर के बाहर में ओम साईं राम ऐसे आवाज आने लगी। और मैंने बाहर जाकर देखा तो वहां साईं बाबा के गेटअप में एक व्यक्ति था। सी मतलब बाबा ने मुझे ये कंफर्मेशन दिया कि वो सच में वहां थे। मैं मेरी फ्रेंड है वो, उनको मैंने बोल रही थी कि मेरे को साईं बाबा आसपास ऐसा फील हो रहा हो, और उसी वक्त ये व्यक्ति इस तरह से अपियर हुआ मेरे सामने। और मैंने उनको जाके प्रणाम किया, मैंने उनको वो अपना डिवोशन शो किया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तेरी सभी इच्छाएं पूरी हों, और उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे वचन मुझे कहे। मतलब जो मैसेजेस उन्होंने आपको दिए थे ना रात को, उससे बिल्कुल अपोजिट मैसेजेस वो मेरे अपने मुंह से बोल कर गए। उसके बाद मुझे कंफर्म हो गया कि समथिंग इज रॉन्ग। और मैंने ये सोचा कि मैं ना आपके कार्ड्स पुल करके देखती हूँ। मतलब मैंने ना इससे पहले एक स्प्रेड लगा दिया था, दैट वाज अ वेरी 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 नेगेटिव स्प्रेड। उसमें वो सारे कार्ड्स नेगेटिव कार्ड्स आए थे जो आपने मुझे बताए थे ना, डेथ कार्ड वगैरह, वो सारे कार्ड आपके स्प्रेड में आए। उससे मुझे ये समझ में आया कि आपकी लाइफ में बहुत खतरनाक कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, और वो आपने, आई डोंट नो व्हाई, आपने वो मुझ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोटेक्टिव शील्ड थी मेरे ऊपर, तो वो चीज़ मुझे असर नहीं करी। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक रीडिंग बनाऊंगी और मैं आपको भेजूंगी। और अभी भी कार्ड जैसे निकल के आ रहे हैं। मुझे उस स्प्रेड को सेव कर लेना चाहिए था। उस स्प्रेड में वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे जो आप मुझे बता रही थी ना, वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स ना आपकी लाइफ में वो चीजें नजर आ रही थी मुझे। और ये बात मुझे मेरी जो एक और गाइड है, मेरी स्पिरिचुअल गाइड है, उन्होंने मुझे बोला कि इनकी बातों को लेना नहीं।
आपका स्टूडेंट मेरे सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत आपके अंदर अहंकार की भावना है। इस अहंकार की वजह से ना आपका आपके जो आपके हायर स्पिरिचुअल पावर कोई होगी ना, आपकी जो भी आपके साथ कनेक्टेड, वो आपको छोड़ चुकी है या छोड़ने के बारे में विचार कर रही है। आप दोनों हस्बैंड और वाइफ, आपके बीच में भी सेपरेशन हो चुका है, आई थिंक आपके बीच में भी सेपरेशन हो चुका है। आपके ट्विन से भी आपका सेपरेशन है और आप ना अभी तक डिवाइन फैमिलीन भी आप नहीं बनी है। अभी तक डिवाइन फैमिलीन बनने की दिशा में भी आप बहुत दूर हैं। यू आर वेटिंग टू बी अ डिवाइन फैमिलीन, अभी आपको अवेकनिंग नहीं हुई है। सेल्फ लव में भी आप ऑपरेट करना अभी नहीं सीखी हैं, क्योंकि जो सेल्फ लव में ऑपरेट करता है ना, वो ऐसी नेगेटिव प्रोजेक्शन किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता। कार्ड में भी दिख रहा होगा ना, तब भी जिस तरीके से आपने नेगेटिवली मेरे ऊपर प्रोजेक्ट किया ना, वो सारी चीजें मैं उसी वक्त समझ रही थी कि ना आप अनकंडीशनल लव में ऑपरेट नहीं कर रही हो। लोग आपको छोड़कर चले गए, आप शायद लाइफ में अकेली हो, इस चीज के आपको बहुत बर्डन है। और ये सारी बर्डन्स रिलीज करने की आप वेट तो कर रही हो, लेकिन अभी भी ये बर्डन्स आपकी लाइफ से गई नहीं है। बर्डन्स बिल्कुल आपकी लाइफ से गई नहीं है। और आपकी एनलाइटनमेंट में, आपके एनलाइटनमेंट में जो बाधा बन रहा है ना, वो यही चीज है। योर नेगेटिव प्रोजेक्शन, ये चीज आपके ना एनलाइटनमेंट में बाधा बन रही है। इस पर काम कीजिए आप। ये बात सच है, अभी तक आपका एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए आपका ट्विन आपको नहीं मिला है। आप जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ना, आपको यूनियन हो जाएगी, आपका ट्विन प्राइड में है, ईगो में ऑपरेट करता है, इन एंड आउट करता है, और आपको सोशल मीडिया स्टॉकिंग आपके करता है। आप बहुत इनडिसाइसिव लेडी हो और अभी भी आप ना बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली जो फीलिंग होती है, उस तरह की आपकी ना आपकी एनर्जी है। दैट इज वाई आप अभी तक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी में आप नहीं आई हो। यू आर स्टिल लुकिंग फॉर आउटसाइड लव, बाहर से लव लेने की इच्छा अभी भी आपकी है, और सेल्फ लव में ऑपरेट करने में अभी भी आपको वक्त है। ये आपका हस्बैंड, आपका हस्बैंड काफी इंडिसाइसिव रहे, काफी समय तक वो इंडिसाइसिव रहे कि आपके साथ उन्होंने, आपने शायद उनको लव नहीं ऑफर किया, उन्होंने आपको लव नहीं ऑफर किया, इसलिए ये आपकी लाइफ को काफी बर्डनफुल हो गई, या फिर आपने सेपरेट होने का डिसीजन लिया। उसके बाद आप अपने ट्विन से मिली, आप अपनी ट्विन जर्नी पर गई, और इस जर्नी पर हाई प्रिस्टेस बनने की तरफ आप बढ़ी, लेकिन हाई प्रिस्टेस बनने की बजाय आपने ना पैसा कमाने पर ज्यादा जोर दिया, इसलिए आप एनलाइटनमेंट से दूर हो गए, एनलाइटनमेंट आपसे मिस हो गया, ऐसा ये कार्ड बोल रहे हैं। जब तक आप जिस तरह के नेगेटिव प्रोजेक्शन आपने मुझे किए, इस तरह के नेगेटिव प्रोजेक्शन आप कहीं भी करती रहेंगी, तब तक आपको एनलाइटनमेंट नहीं होगा।
और आपके आपके जो भी गाइड है ना, आपके बाबा जी जो भी, ये आपको छोड़ चुके हैं, ये रहे आपके बाबा जी मेरे पास हैं। आपने जिस तरह के नेगेटिव प्रोजेक्शन मुझे दिए, इससे साईं बाबा बहुत नाराज हैं, और वो उसी वक्त, जिस वक्त आपने मेरे हस्बैंड के लिए आपने जिस तरीके से बोला ना, उसके बाद में साईं बाबा मेरे पास आ गए, तब से ये मेरे पास ही है। आप वो अपने बाबा जी से माफी मांगिए और आप अपनी एनर्जीज को ठीक कीजिए, और आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली ठीक करने के बाद फिर मेरे कार्ड्स निकाल कर देखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।